नमस्कार, आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो चुकी है और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रीव्यू है वो भी आ चुका है। तो हम बता रहे हैं आपको इसका रिव्यू और आपको बता दें कि ये अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की बात कही जा रही थी, लेकिन इस फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है। मशहूर फिल्म क्रिटिक्स जो तरुण आदर्श हैं, जिन्होंने बताया है इस फिल्म को डिसअपॉइंटिंग। जी हाँ, उन्हें इस फिल्म को डिसअपॉइंटिंग लगी है। रेटिंग भी उन्होंने 2 की दी है। तो आपको बता दें कि फिल्म के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये फ्लॉप फिल्म है और ये इसने डिसअपॉइंट किया है, जनता की एक्सपेक्टेशन पे ये खरी नहीं उतरी है। आपको बता दें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ से सची ये फिल्म इस साल की बड़ी हिट फिल्म का दावा कर रही थी और ये बता रही थी कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन इस फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। तो ये जरूर है कि छुट्टियों का फ़ायदा इस फिल्म को थोड़ा मिल सकता है, थोड़ी बहुत कमाई कर सकती है, लेकिन जो ब्लॉकबस्टर की बात कही गई थी वो यहाँ पर नहीं लागू हो रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है। देखना है आगे जनता को कितनी पसंद आती है। क्रिटिक्स का इस फिल्म को जो है वो 2 स्टार दिए गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस फिल्म को हम 2 ही स्टार देंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है। स्टार कास्ट की वजह से ये फिल्म थोड़ी बहुत चल सकती है, लेकिन स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले इतना दमदार नहीं है। तो कुल मिला के इस साल की सबसे बड़ी फिल्म जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी उसने निराश किया है। धन्यवाद। जय हिंद।